যে তোমার। हम्प्टी गार्डन की फिल्म भूलभुलैया 2 की कामयाबी के बाद से ही जनता बेसब्री से इसके सीक्वल का इंतजार कर रही है। उनकी ये कास्टिंग को लेकर अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाल ही में सामने आया था कि अक्षय कुमार स्टार फिल्म भूलभुलैया फिल्म की ओरिजिनल मूवी लीड अंजुलिका यानी विद्या बालन तीसरी फिल्म में नजर आने वाली है। इसके तुरंत बाद ही ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि माधुरी दीक्षित भी इस फिल्म में नजर आ सकती है। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर भूलभुलैया 3 की फीमेल लीड को लेकर एक बड़ा दिया है। कार्तिक आर्यन के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक पजल है। इस पजल पर एक एक्ट्रेस की आधी तस्वीर है जिसमें उसका मुस्कुराया हुआ चेहरा दिख रहा है। भूलभुलैया 2 में कार्तिक के साथ लीड रोल में कियारा आडवाणी थी। भूलभुलैया 3 को लेकर अभी तक कियारा का नाम कन्फर्म नहीं हुआ है। इसी में अंदाज लगाया जा रहा है कि शायद नई कहानी में मेकर्स ने कियारा को रिप्लेस कर दिया है। कार्तिक की आने वाली फिल्म की अगर बात करें तो आशिकी 2 का सीक्वल भी शामिल है। इसे अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे हैं। उस समय पहले रिपोर्ट आई थी कि आशिकी 3 के मेकर्स फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ नई नेशनल रश्मि डिमरी को कास्ट करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि डिमरी को कास्ट करना या न करना मेकर्स तय करेंगे। दादे रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में नजर आने वाली दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। रणबीर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत चर्चा में रही थी। आशिकी 3 का तो पता नहीं, लेकिन कार्तिक का हिट इशारा कर रहा है कि भूलभुलैया 3 में उनके साथ त्रुटि नजर आने वाली है। दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।